भोपाल से लगे मिसरौद में गोल्डन फॉर्च्यून सिटी में पुलिस इस समय कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाए। एक लड़की की जिंदगी का मामला है, लड़की को 30 वर्षीय लड़की को एक अलीगढ़ के रहने वाले एक युवक ने, जिसे रोहित के नाम पे पहचान हुई है, उसने गन पॉइंट पे बंदूक की नोक पर अपने हिरासत में ले रखा है और वो पुलिस से मांग कर रहा है और परिवार वालों से मांग कर रहा है कि उसे और उस लड़की को वहाँ से सेफली जाने दिया जाए। ड्रामा यहाँ चल रहा है, पुलिस कोशिश कर रही है कि उससे बात की जाए, उसे थकाया जाए और किसी तरीके से उसे कन्विंस किया जाए कि वो जो कमरे में उस लड़की के साथ बंद है उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आए। और इस दौरान जो है उसने एक एफिडेविट के कागज़ भी अंदर मंगवाया था और लड़की ने और लड़के ने दोनों ने एफिडेविट में साइन करके बाहर भेजा है कि वो आपस में प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं और अगर शादी नहीं हुई तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ये लड़के ने दबाव में लड़की से एफिडेविट लिखवाया या दोनों ने लिखा, ये जाँच का विषय बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अंदर से ही आया है। और जहाँ तक लड़की की तबीयत की स्थिति है, उसकी हालात की स्थिति है, वो भी ठीक बताई जा रही है, क्योंकि अभी कुछ जानकारी हमको ऐसी पता चली है कि पुलिस वालों के साथ लड़की की वीडियो कॉलिंग हुई है, बात हुई है, और उसमें भी लड़की ये जरूर कह रही है कि वो शादी करना चाहती है। हालांकि इस बात पे भी अभी ये पुलिस कुछ भी किसी दावे के साथ नहीं कह सकती कि उसके ऊपर दबाव बना जा रहा, कहीं उसकी बंदूक की नाल उसके ऊपर तो नहीं रखी है उसने, क्योंकि ये बात साफ है कि आरोपी के पास एक देसी कट्टा है, अंदर कैंची है, उसने कैंची से पुलिस वालों पर भी वार किया और पुलिस वालों ने उसको उस कट्टे को, देसी कट्टे को, देसी बंदूक को लहराते हुए देखा। तक पुलिस के रोल की बात है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो लड़का का एंट्री इस घर में हुआ है वो फ्रेंडली एंट्री है, कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है, और लड़का लड़की के कमरे में है और उसमें उसने बंद किया है और बाकी घर वाले उसी घर के अंदर हैं, तो फ्रेंडली एंट्री हुई है। और फ्रेंडली एंट्री के बाद पुलिस को यहाँ के आस पड़ास के लोगों ने इत्तला दी है, उससे पहले मीडिया को इसी लड़के ने इन्फॉर्म किया है, कुछ लोग मीडिया के यहाँ आए हैं, उनसे बातचीत करने की भी इन्होंने कोशिश की है। ये और लड़की दोनों बाहर यहाँ से जाना चाहते थे। अब आरोप ये लगाया जा रहा है लड़के की तरफ से कि घर वाले उनको जाने नहीं देना चाह रहे, इसलिए उसको ये कदम उठाना पड़ा है। लेकिन फिलहाल स्थिति ये बनी हुई है कि लड़के ने बंदूक की नोक पर लड़की को कमरे के अंदर रख रखा है और बाकी घर वाले घर में हैं, पुलिस वाले घर के चारों तरफ हैं। और पुलिस जो है सुबह एक बार कोशिश कर चुकी है कमरे के अंदर घुसने की, जब वो फोन के लिए अपने लिए चार्जर मांग रहा था तो पुलिस ने दरवाजे को धक्का देकर के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान युवक ने पुलिस के ऊपर कैंची से हमला कर दिया और साथ ही साथ बंदूक भी लहराने लगा। तो पुलिस नहीं चाहती कि किसी भी तरह से, क्योंकि उसकी स्थिति क्या है, कोई भी कदम वो उठा सकता है, तो पुलिस नहीं चाहती कि कोई भी किसी भी तरह का ऐसा वो कदम उठाए, इसलिए उसको पर्याप्त समय दिया जा रहा है, उसे थकाया जा रहा है ताकि वो एग्जॉस्ट हो जाए और एग्जॉस्ट होने के बाद वो खुद ब खुद बाहर आए। ये पुलिस की स्ट्रैटेजी अभी इस समय नजर आ रही है।